Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and good morning students. I am your drawing teacher. मैं आपकी drawing की teacher हूँ. मैं आपको drawing सिखाऊंगी. This is drawing book for grade 1. Drawing के लिए जो stationery हमें चाहिए उसमें सबसे important है colors. ये है jumbo colors. रूलर, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, कंपास, ये चीज़ें हमें ड्राइंग में सबसे ज़्यादा चाहिए होती हैं. स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर रफ नोटबुक्स. आज हमारा टॉपिक है बलून्स. स्टूडेंट्स आज हम रफ कॉपी में बलून्स ड्रॉ करेंगे. पहले हमने पेंसिल और रूलर की हेल्प से पेज के दोनों साइड्स पर ऐसे मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है. बिल्कुल नीट टॉप पर भी हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे. अब हम नीटनेस लाइन ऐसे नीचे ड्रॉ करेंगे. पहले हम पेज रेडी करेंगे. सीरियल नंबर S dot N O drawing rough work date है 10/4/2020. टॉपिक के लिए हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है. टॉपिक है बलून्स, कैपिटल बी ए डबल एल डबल ओ एन एस बलून्स. बलून्स हम सर्कल शेप में भी बना सकते हैं और ओवल शेप में भी. सर्कल शेप ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास और छोटा पेंसिल चाहिए. हमने पेंसिल को कंपास में ऐसे फिक्स करना है. अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे. आप बड़ा सर्कल भी बना सकते हैं और छोटा भी. ये बलून का थ्रेड हो गया. फर्स्ट बलून हमने ड्रॉ किया. अब हम ओवल शेप में बलून ड्रॉ करेंगे. उसके लिए हम ऐसे
सर्कल ड्रॉ करेंगे सर्कल हमने ड्रॉ किया अब हमने ऐसे बिल्कुल सर्कल के मिड में यहाँ से सर्कल से थोड़ा सा ऊपर लाइन ड्रॉ करना है और हमने सर्कल से बाहर ऊपर वाला लाइन जितना ड्रॉ किया है इससे थोड़ा सा ज़्यादा हम ये नीचे वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से ऐसे गोल लाइन सर्कल की तरफ ऐसे ड्रॉ करेंगे और सर्कल के साथ टच करेंगे। इस साइड पर भी हमने ऐसे ही लाइन ड्रॉ करके सर्कल के साथ टच करना है। यहाँ पर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। इस साइड पर भी हमने ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमने इरेजर की हेल्प से ये सर्कल वाली लाइन ऐसे इरेज करनी है। और जो सीधी लाइन हमने ड्रॉ की है वो भी इरेज करेंगे। लाइक दिस। एक स्मॉल सा ट्राइंगल और नीचे हम ऐसे थ्रेड ड्रॉ करेंगे। अब हमने ब्लैक कलर से बलून्स की आउटलाइनिंग करनी है ऐसे। जो स्मॉल ट्राइंगल है इसके भी हमने ऐसे आउटलाइन करनी है और थ्रेड जो है तो इसके ऊपर भी हमने ऐसे ब्लैक कलर से लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम ओवल शेप बलून की भी ऐसे आउटलाइनिंग करेंगे।
small triangle ki bhi aise black color se outlining aur thread ki bhi aise outlining karni hai. अब मैंने बलून को कलर करना है. सर्कल शेप को मैं ऑरेंज कलर करूंगी. लाइक दिस लाइन के साथ साथ मैं रूलर इसलिए रख रही हूँ ताकि आउटलाइन से कलर बाहर ना निकले. बलून की हमने ऐसे नीट नीट कलरिंग करनी है. आप बलून को कोई अपनी चॉइस का कलर भी दे सकते हैं. यहाँ पे ट्रायंगल में भी ऐसे मैंने कलर करना है. इसके ऊपर मैं ऐसे कलर करूंगी जहाँ पे लाइट है ताकि कलर सेम हो जाए. अब ओवल शेप बलून को मैंने पर्पल कलर करना है. रूलर रख कर मैं ऐसे कलर स्टार्ट करूंगी. बलून को मैंने नीट नीट कलर करना है ताकि बलून प्यारा लगे. जो स्मॉल ट्रायंगल है उसको भी मैं कलर करूंगी. अब जहाँ पे कलर कम है मैं वहाँ पे ऐसे कलर करूंगी ताकि कलर सेम हो. मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन सारे डायग्राम्स की समझ आ गई हो.
और आप सब ने अपनी रफ कॉपीज में सारे डायग्राम्स ड्रॉ किए हो। ओके, बाय।